नमस्कार। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की गलती मानने की खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने मान लिया है कि भारत में आतंकी घोषित निर्जर हत्याकांड में भारत की भूमिका खुफिया एजेंसियों के संदेह के आधार पर बताई गई थी। हालांकि इसके लिए कोई ठोस सबूत कनाडा के पास नहीं थे, जिसके बाद खालिस्तानियों से हमदर्दी दिखाने और भारत से कूटनीतिक रिश्ते खराब करने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो घरेलू राजनीति में भी अलग थलग पड़ गए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो भारत विरोध का यह झंडा ट्रूडो ने अपने वोट बैंक को ठीक करने के लिए उठाया था। आपको बता दें कि चुनावों से पहले जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता रसातल में चली गई। जनता की पसंद नापसंद बताने वाली अप्रूवल रेटिंग में भी ट्रूडो की भारी गिरावट देखी जा रही है। सितंबर 2024 में ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग मात्र 30% थी, यानी 100 में से 70 लोग ट्रूडो को पसंद नहीं करते थे। जबकि ट्रूडो प्रधानमंत्री बने तो उनको पसंद करने वालों का आंकड़ा 60% था। युवा वर्ग पुरुषों में तो ट्रूडो की रेटिंग 25% तक पहुंच गई है। ट्रूडो की लोकप्रियता घटने का सबसे बड़ा कारण कनाडा में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं। सीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि ट्रूडो की लिबरल पार्टी से सांसद सिन केसी ने जस्टिन ट्रूडो से 2025 के चुनाव से पहले ही खुले तौर पर पीएम पद छोड़ने को कहा है। इसके अलावा बाकी सांसद संख्या बल जुटा रहे हैं ताकि ट्रूडो को लिबरल पार्टी से किनारे किया जा सके। कनाडा की राजनीतिक और पत्रकार बिरादरी भी ट्रूडो की नीतियों से कतई सहमत नहीं है। असल में कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों को खुश करने के लिए सिख समुदाय का वोट चाहते हैं। ट्रूडो जानते हैं कि भारत का विरोध करने से उनको हिंदू वोट का नुकसान होगा। हालांकि इस वोट का नुकसान करने के लिए वो तैयार हैं और इसकी भरपाई वह सिख और मुस्लिम वोट मिलाकर करना चाहते हैं। आपको बता दें कि सिख कनाडा की आबादी में लगभग 2% हैं, जबकि कनाडा में हिंदू वोट भी 2.3% हैं। कनाडा की आबादी में लगभग 5% हिस्सा मुस्लिमों का है। इनमें से भी बड़ा हिस्सा उन मुस्लिमों का है जो पाकिस्तानी हैं। भारत के भीतर खालिस्तानियों को पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत तोड़ने की साजिश रचने की पूरी छूट दी जा रही है। पीएम ट्रूडो यह सब इसलिए कर रहे हैं ताकि ट्रूडो लगभग 7-8% वोट बढ़ा सके। सितंबर 2024 में ही कनाडा की खुफिया और सुरक्षा एजेंसी CSIS प्रमुख वनेसा लॉयड ने स्पष्ट तौर पर विदेशी दखल की जांच करने वाली कमेटी को बताया था कि पाकिस्तान कनाडा के भीतर चुनावों में और उसकी आंतरिक व्यवस्था में दखल दे रहा है। CSIS प्रमुख वनेसा लॉयड ने बताया कि पाकिस्तान कनाडा के भीतर खालिस्तान समर्थकों को भी मदद करता है। पाकिस्तान इसके साथ ही चुनावों में भी दखल देता है। पाकिस्तानी लोगों का यहां दबदबा भी दिखता है। हालांकि ट्रूडो की कुर्सी बचाने की यह तरकीब कनाडा को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारी पड़ने लगी है। पीएम ट्रूडो को लगता है कि राजनीतिक बखेड़ा खड़ा करने से कुछ समय के लिए उनकी कुर्सी बच जाएगी। पीएम जस्टिन ट्रूडो का भारत विरोधी रवैये का एक और बड़ा कारण चीन है। चीन के कनाडा में प्रभाव को ट्रूडो छुपाना चाहते हैं। कनाडाई चुनाव में दखल को लेकर एक जांच चल रही है। जून 2024 में आई एक रिपोर्ट बताती है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक कुछ चीनी नागरिक कनाडा के शासन और अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने और उसे प्रभावित करने के प्रयासों में लगे हुए हैं और लगे रहते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कनाडा के चुनाव में दखल के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा है। एक रिपोर्ट में तो यहां तक बताया गया कि चीन ने कनाडा के भीतर अपने पुलिस स्टेशन तक बना लिए हैं। कनाडा में 7 चीनी पुलिस स्टेशन होने की बात कही गई। यह भी सामने आया कि चीन ने कनाडा के कंजर्वेटिव पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया। चीन ने कनाडा में सांसदों और कई नेताओं को धमकाने तक को लेकर प्रयास किए। यहां तक कि जस्टिन ट्रूडो को भी जिताने में चीन का योगदान बताया जाता है। चीन का कनाडा में दखल यहां की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है।
इस मुद्दे को दबाने के लिए भी जस्टिन ट्रूडो भारत को निशाने पर लेते रहे हैं। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPIM ने मंगलवार 15 अक्टूबर 2024 को एक बयान जारी करके भारत कनाडा विवाद में भारत सरकार को अपना समर्थन दिया। यह समर्थन बड़ा है क्योंकि इस पार्टी को चीन समर्थक होने के लिए जाना जाता है। अपने बयान में CPIM ने कनाडा में सक्रिय भारत विरोधी खालिस्तानी तत्वों को गंभीर चिंता का विषय बताया और कहा कि भारत सरकार राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य है। वामपंथी दल ने आगे कहा कि कनाडा सरकार के विभिन्न अधिकारियों द्वारा भारत के खिलाफ लगाए गए आरोपों को भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। उम्मीद है कि भारत सरकार लॉरेंस बिश्नोई के आपराधिक गिरोह की भूमिका के बारे में लगाए गए आरोपों सहित इन सभी मुद्दों पर विपक्षी दलों को भरोसे में लेगी। असल में कनाडा सरकार ने इशारों में लॉरेंस बिश्नोई को भी भारत का सच्चा सबूत बता दिया, जो भारत के दुश्मनों को ढेर करने के लिए भारत की खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। सन 1984 से 1986 के बीच खालिस्तानी आतंकवादियों ने कम से कम 17 वामपंथी नेताओं की हत्या कर दी थी, जिसमें दर्शन सिंह संघा उर्फ कैनेडियन, CPI के पूर्व राज्य सचिव एवं नक्सली नेता बलदेव सिंह मान जैसे प्रमुख व्यक्ति शामिल रहे। तब बलदेव सिंह मान की विधवा बलबीर कौर ने उनके अंतिम संस्कार में घोषणा की कि हम ना हिंदू हैं ना सिख, बल्कि हम भारतीय हैं। आतंकवाद का खात्मा हो, भारत अमर रहे। सन 1980 के दशक में पंजाब में उग्रवाद के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के नेता खालिस्तानी आंदोलन के सबसे मुखर विरोधियों में से एक रहे। इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। इंडिया टुडे ने 1986 में एक रिपोर्ट में बताया था कि वामपंथी नेता और कार्यकर्ता खासतौर पर CPIA के हिंसा और अलगाववाद की मुखर निंदा करने के कारण खालिस्तानी आतंकवादियों के निशाने पर आ गए और एक एक करके मारे जाते रहे। वहीं इसी आतंकवाद की सीढ़ी अब कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो चढ़ रहे हैं, जिसका खुलासा खुद आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने किया है। प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी सिख फॉर जस्टिस जस्टिन ट्रूडो के कार्यालय के संपर्क में था, ये पन्नू ने खुलासा किया। यह खुलासा खालिस्तानी आतंकवादी और सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडाई सरकारी न्यूज चैनल CBC न्यूज को दिए इंटरव्यू में किया। भारत और कनाडा के बीच जारी राजनयिक विवाद को लेकर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बताया कि सिख फॉर जस्टिस पिछले 3 साल से PM जस्टिन ट्रूडो के कार्यालय से संपर्क में है। आतंकी पन्नू ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि भारत के खिलाफ जानकारी मुहैया कराई गई, जिस पर ट्रूडो ने कार्रवाई की। पन्नू के इस खुलासे से कनाडाई खुफिया एजेंसियां भी शर्मसार हो रही हैं। भारत के आरोप अब पुख्ता हो गए हैं कि कनाडाई सरकार लगातार खालिस्तानी आतंकियों को खाद और पानी दे रहा है। कनाडा और भारत सरकार के संबंध इस समय सबसे निचले स्तर पर जा चुके हैं। भारत ने कनाडा के हाई कमिश्नर को देश निकाला दे दिया और अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया। भारत ने कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो पर राजनीति चमकाने के लिए रिश्तों की बलि चढ़ाने का भी आरोप लगाया। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं और इसमें सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि संजीव श्रीवास्तव जी हैं सामरिक मामलों के जानकार और रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी, आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है। भारत सरकार की तरफ से आया है जो बयान, उसमें कहा गया है भारत कनाडा के गिरते रिश्तों के स्तर के लिए सिर्फ ट्रूडो जिम्मेदार हैं, यानी कनाडा नहीं जिम्मेदार है, कनाडा सरकार नहीं जिम्मेदार है, केवल PM ट्रूडो। इसके क्या मायने निकाले जाए संजीव जी? सुन जी, ये जो भारत का बयान है बहुत ही स्पष्ट है कि भारत, ये जो भारत और कनाडा के संबंधों में जो तनाव आया है, जो संकट आया है, उसके लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जो अपरिपक्व, अदूरदर्शी और अनुचित जो उनकी जो सोच है उसको जिम्मेदार मानता है।
और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए उन्होंने भारत और कनाडा जैसे बड़े संबंधों को दांव पे लगा दिया है। और भारत और कनाडा के बीच में आप जानते हैं प्रसून जी कि ये बहुत ही गहरे और संबंध हैं दोनों के बीच के। दोनों लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, दोनों के साझा लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जाहिर है साझा हित हैं, साझा अवसर हैं, साझा चुनौतियां हैं, और दोनों के बीच का जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो भी बहुत गहरा है। कनाडा में बड़ी संख्या में हमारे जो प्रवासी भारतीय वहाँ रहते हैं और उसमें से 8 लाख की जो संख्या है वो हमारे सिख भाई बहनों की है। बड़ी संख्या में लाखों की संख्या में हमारे जो विद्यार्थी हैं वो कनाडा के इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं। जो व्यापारिक समुदाय है भारत का वो अपना व्यापार भी गहरे तरीके से कनाडा में रह करके करता है। कनाडा के व्यापारी भारत में अपना व्यापार करते हैं। तो ये जो पीपल टू पीपल कनेक्ट भी बहुत गहरा है। और इस बड़े संबंध को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए उसको क्षति पहुंचाई है, ये स्पष्ट है। क्योंकि इसका कारण बहुत स्पष्ट है कि कनाडा की जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो अल्पमत की सरकार है, उनको पूर्ण बहुमत पिछले चुनाव में नहीं मिला था। इसकी वजह से उनको अन्य जो दलों की वजह के सपोर्ट से वो अपनी सत्ता में वो बने हुए हैं। उसमें जो सपोर्ट उनको मिला वो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी नामक एक दल है जो कि एक खालिस्तानी आतंकियों अतिवादियों के साथ उसके गहरे संबंध है। प्रो ये जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का जो नेता गुरमीत सिंह है उसके गुरपतवंत सिंह पन्नू हो या अन्य जितने भी इस तरीके के जो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं सबके साथ लिंक बताए जाते हैं। और अब तो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जिस तरीके से बताया कि वो लगातार जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री कार्यालय के संपर्क में था, सूचनाएं देता था इत्यादि इत्यादि। उसके बाद से तो कनाडाई खुफिया एजेंसियां भी शर्मसार हो गई, क्योंकि ट्रूडो ने खुद माना है कि उन्होंने जो भारत पे आरोप लगाए थे वह खुफिया एजेंसियों के इनपुट पे लगाए गए थे। अब पन्नू कह रहा है कि वो खुफिया एजेंसियों के इनपुट नहीं थे या खुफिया एजेंसियों के टिप्स नहीं थे, वो तो खुद 2-3 साल से खुद दे रहा था टिप्स ट्रूडो को। तो इसका मतलब साफ है कि ट्रूडो अपनी देश की जनता को भी भटका रहे थे और उस फाइव फाइज नाम के देशों को भी, जिसमें अमेरिका शामिल है, कनाडा शामिल है, यूके शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, न्यूजीलैंड शामिल है, इन पांचों को भी खुफिया इनपुट जो प्रोवाइड करवाए गए वह भी भ्रामक थे। ऐसे हालात में भारत के लिए अब नया पैतरा क्या होगा ताकि भारत के ऊपर कनाडा दबाव बना सके, चूंकि अब उसके सारे पैतरे फेल हो चुके हैं। संजीव जी, देखिए भारत कैसे किसी पैतरे में भारत के ऊपर ऐसा करके दबाव नहीं बनाया जा सकता। और भारत के विरुद्ध ये जो बेसलेस आधारहीन आरोप लगाए गए, भारत उसका कारण भी जानता है। जैसा कि मैंने बताया कि वो जो अतिवादी आतंकवादी जो तत्व हैं उनको अपीच करने के लिए, ताकि उनका समर्थन उन्हें मिलता रहे, उनकी सरकार चलती रहे, उन्होंने जो है भारत और कनाडा के संबंधों को क्षति पहुंचाई है, भारत और कनाडा के संबंधों को दांव पे लगाया है। और जाहिर है कि भारत ने इसका कड़ा प्रतिवाद किया है। ये जो नया भारत है वो इस तरीके के बर्ताव को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, भारत में सत्ता परिवर्तन कराने के लिए अमेरिकी संस्था CIA, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी दोनों लगे हुए हैं। इसमें पश्चिम का पूरा वैश्विक इकोसिस्टम और चीनी कम्युनिस्ट इकोसिस्टम भी शामिल है। भारत के विरुद्ध सत्ता परिवर्तन हेतु डीप स्टेट के इस खेल में सबसे बड़ा रोल अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट अर्थात विदेश विभाग निभा रहा है। हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा जी हैं। आपको लगता है कि इस तरह के जब षड्यंत्र हो रहे हों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो भारत के पास क्या विकल्प बचता है? देखिए, हम एक मजबूत देश हैं, हम कोई मिडिल ईस्ट का कोई कंट्री नहीं है जहां पर कि बाहर की ताकतें जो हैं वो सत्ता परिवर्तन कर सके। हाँ, कुछ ऐसे देश हैं, अमेरिका है, जहाँ बाकी और वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनकी हमारे प्रति थोड़ी सी नाराजगी है कि हमने रशिया यूक्रेन युद्ध के अंदर जो है उनका साथ नहीं दिया है, हमने कंडम नहीं किया है रशिया को, हमने मिडिल ईस्ट के जो लड़ाई चल रही है उसके अंदर से जो है हमने हिजबुल्ला को या फिर हमास को या ईरान को हमने कंडम नहीं किया।
क्योंकि हमारा जो स्टैंड है वो एक तटस्थ है और हमारा ये बेसिक एम है कि पूरे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका शांति से समाधान हो। हम पूरी तरह से कैपेबल हैं और हमें कैपेबल है, लेकिन कर्नल दिनेश शर्मा जी एक बात तो साफ है, चीन हर मामले में दखल देता है लेकिन खुलकर भारत के सामने नहीं आ रहा है। अब सामने तो अब मीठा मीठा दिखाता है, पीठ पीछे हर षड्यंत्र में उसका नाम आ जाता है। कनाडा में भी यह बात देखी गई है। अब ऐसी स्थिति में जब सीपीआईएम जैसे नेता भी, सीपीआईएम के नेता भी, उसके संगठन भी जो कहा जाता है चीन के प्रति नरम रुख रखते हैं, वह भी चीन से किनारा करने लगे हैं, तो इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या मान लिया जाए कि चीन वास्तव में इस षड्यंत्र में शामिल था कनाडा में जो चल रहा था? जी बिल्कुल है, ये जो क्या कहते हैं 2019 और 21 के इलेक्शन के अंदर जो है इनके ऊपर पूरे आरोप लगे हैं। चाइना का इंटरफेरेंस जो हुआ है, उन्होंने लिबरल पार्टी के कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या जो उनके जो उम्मीदवार थे उनको पैसे से सपोर्ट किया है, जो उनके फेवर में थे, जिनको वो समझते थे कि ये चाइना के इंटरेस्ट के फेवर में बात करेंगे, इन्होंने पूरा का पूरा जो है उनको सपोर्ट किया। चाइनीज का बिल्कुल है, अगर ऐसी बात ना होती तो चाइना के अम्बेसडर को जो है कनाडा वालों ने क्यों वापस भेजा था? चाइना का एक्टिव है, चाइना की भी वहां पे साइजेबल जो है डायस्पोरा है जो वहां पे रह रहे हैं और वो अपने कंट्री का, चाइना की एक बात है जो चाइनीज कहीं भी बसे हुए हैं उनका बेसिक एम ये है कि वो हर हालत में चाहे वो किसी भी देश के नागरिक हों वो चाइना के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए अपना योगदान रहेंगे। अब आ जाती है बात हमारे प्रति, चाइना ठीक है मीठा मीठा बोलता है लेकिन असली बात तो यो ये है कि वो हमारा प्रतिद्वंदी है, हम उसको बराबर की टक्कर दे सकते हैं, तो उसका एम जो है किसी न किसी तरह से हमारे लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम को खड़ा करना, जिससे कि हम जिस व्यक्ति ने कॉल करियो छे तेने तमार। हेलो जी दिनेश जी, आपकी आवाज आ रही, बताइए। जी तो उसका किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम खड़ी करनी है। अभी हम ये जो बातचीत का सिलसिला कर रखा है ये बहुत एक तरह से शर्म की बात है कि जस्टिन ट्रूडो ने बिना किसी खास सबूतों के जो है अपने इंटरेस्ट के लिए हमारे ऊपर इस प्रकार का जो है आरोप लगाया है। खुफिया एजेंसीज के इनपुट के ऊपर उन्होंने ये कह दिया है। कल को वो कहेंगे कि हमें ये जो गुरबंत सिंह पन्नू ने जो स्टेटमेंट जो इंटरव्यू दिया है टेलीविजन के अंदर, इसके बारे में अभी तक सरकारी तौर के ऊपर ना तो इसको नकारा गया है और ना ही इसको इसके बारे में हामी भरी गई है। ये एक स्वाभाविक बात है कि जो जिस देश के अंदर बाहर के लोग आके उसमें फंस जाते हैं, स्वाभाविक तौर के ऊपर वो लोग जो है अपनी प्रॉब्लम्स को वहां की अथॉरिटीज के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन का जो चीफ है वो डायरेक्टली 2-3 सालों से जो है पीएम ऑफिस के साथ कांटेक्ट में था और वही जो है इंडिया के इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है वो उसके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। अगर वो 2-3 साल से था तो क्या उसे इसके बारे में भनक थी कि ये जो जिस वजह से हमारे और कनाडा के जो संबंध खराब हुए? जब पीएम ये चाह रहे थे तो दूसरा कोई क्या करेगा? हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी। संजीव श्रीवास्तव जी, कनाडा की जमीन से भारत विरोधी गतिविधियां चल रही थी, सबको मालूम है, आज भी चल रही हैं, वहां की सरकार सपोर्ट कर रही है और लगातार उन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है जहां उसके एम्बेसी पे हमला किया जाता है, जो कि सूचना ही नहीं बनती है। यूएन की बात की जाए, संयुक्त राष्ट्र की बात की जाए, तो वह मूक दर्शक क्यों बन के बैठा है? अमेरिका की बात की जाए तो वह मूक दर्शक क्यों बन के बैठा है? भारत को दबाव में लाने के लिए बताता है कि निखिल गुप्ता चेक गणराज्य से गिरफ्तार कर लिया गया, उसका परिवर्तन करा लिया गया, बताया गया कि वह गुरुपद सिंह पन्नू को मारना चाहता था, मरवाना चाहता था खुफिया एजेंसियों के इशारे पे। जो लोग देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उनके एसेसिनेशन के लिए चिंतित हैं, लेकिन वहां की जमीन पे जो षड्यंत्र भारत के खिलाफ खुलेआम हो रहे हैं उसको लेकर चिंता नहीं दिखा रहे हैं। आखिर भारत जाए तो जाए कहां, और संयुक्त राष्ट्र की मौन पे क्या कहेंगे आप? देखिए प्रसून जी, जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ की आपने बात पूछी है तो ये जो संस्थान है जो सबके सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये अपने कार्यों को करने में लगातार विफल साबित हो रहा है।
और संयुक्त राष्ट्र संघ जाहिर है कि जब तक उसमें गंभीर सुधार नहीं होते तब तक वो अपनी भूमिकाओं को ठीक तरीके से नहीं निभा पाएगा। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को स्थापित करने का उसका जो प्राइमरी मैंडेट है वो उसको पूरा करने में विफल साबित हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन इसका जो भविष्य है वो तब तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक इसके अंदर सुधार ना हो। इसलिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा कुछ अपेक्षा करना ये अगर ये मान लिया जाए संजीव जी आपकी बात, तो क्या भारत को भी वही रुख अपनाना चाहिए जिस जो इजराइल ने अपनाया? उनके स्टेट उनके जो निर्देश आए थे इजराइल के प्रधानमंत्री ने फाड़ के फेंक दिया और बता दिया कि हम वही करेंगे जो हमारे राष्ट्र के लिए उचित हो। क्या भारत को भी यही संदेश देने का समय आ गया है? देखिए, भारत ये जो आतंकवाद के विरुद्ध जो भारत का जो इस नए भारत का जो अप्रोच है वो बहुत ही स्पष्ट है। हम जीरो टॉलरेंस के आधार पर कार्य करते हैं। आतंकवाद को ये नया भारत बर्दाश्त नहीं करता है। आतंकवादियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है, चाहे वो आतंकवाद भारत की जमीन पर। संजीव जी, अब तो सवाल देशों का है। ये जो प्रायोजित आतंकवाद है, जैसे कनाडा में हो रहा है, पाकिस्तान में एक हद तक सीमा पे रुका है आतंकवाद, लेकिन जो कनाडा में बैठ के आपके खिलाफ खुलेआम षड्यंत्र कर रहे हैं, आप उनको बचा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, लेकिन किस तरीके का कि आप मुझे मारने के लिए आ रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि आप मत मारिए? देखिए, ऐसा है प्रसून जी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का जो आतंकवाद के प्रति जो रवैया है और उसमें दोहरापन दिखाई देता है, ये जो राष्ट्र आतंकवाद के प्रति जो जिस तरीके की एकता दिखानी चाहिए, जिस तरीके का आपस में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन होना चाहिए, वो दिखाई नहीं देता है। और यही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से जब कभी भी ओसामा बिन लादेन या अबू बकर अल बगदादी को मारने की कार्रवाई की जाती है तो वो अपने कहीं भी किसी भी राष्ट्र में जाकर वो कार्रवाई कर देता है। लेकिन जब इसी तरीके का कोई अगर एक्शन उसकी टेरिटरी में हो जाए और भले से ही सब जानते हुए कि वो आतंकवादी है तो उनको आपत्ति होने लगती है। तो आतंकवाद के प्रति ये जो डबल स्टैंडर्ड है इससे आतंकवाद की जो चुनौती को के ऊपर विजय नहीं पाई जा सकती। आतंकवाद का जो दानव है वो फिर से विकराल रूप में सामने खड़ा है। और क्या आपको लगता है कि क्या किसी भी स्तर पे पन्नू के ऊपर हमले की बात को लेके या उसके हटाने उसको मारने की बात को लेके अमेरिका इतना गंभीर है, जबकि भारत सरकार की तरफ से भी कई बार आरोप लगाए जा चुके हैं और उच्च स्तर पे आरोप लगाए गए हैं कि पन्नू CIA का एजेंट है? क्या भारत सरकार भी पूछेगी कि नहीं पन्नू जैसे आतंकवादियों के लिए कि आप उसको क्यों पाल रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, उसकी आतंकवादी गतिविधियों पे क्यों नहीं लगाम लगा रहे हैं? जो देश को तोड़ने की बात करता है, सबसे बड़ा गुनाह है भारत के कानून में, इसकी मौत की सजा है, इसको लेके नरमी क्यों? या अभी तक क्या अमेरिका से दबाव में है भारत? देखिए, ऐसा है कि पन्नू को भारत ने आतंकवादी घोषित कर रखा है और भारत ने अमेरिका को ये लगातार बताया है कि जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है वो भारत के खिलाफ जो आतंकवादी साजिशों में शामिल है। और जाहिर है कि भारत इस तरीके की जो इनपुट्स हैं वो लगातार गुरपतवंत सिंह पन्नू के संदर्भ में अमेरिका को देता रहा है। लेकिन भारत, संजीव जी, एक खबर और भी आ रही है, अभी जस्ट मेरे कान में खबर आ रही है कि अमेरिका के एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि आप आतंकवादियों को मत पालिए वरना ये आपके लिए भी भस्मासुर साबित हो जाएंगे। यानी अमेरिका के लोग भी अमेरिका को अब चेतावनी देने लगे हैं। इसका मतलब तो साफ है कि खुला खेल फरूखाबादी हो रहा है अमेरिका और कनाडा में, लेकिन भारत सरकार को दबाव में लिया जाता है, लेकिन ये अपने हरकतों पे या अपनी साजिशों पे लगाम नहीं लगाना चाहते हैं। संजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आतंकवादियों को पालने का, प्रश्रय देने का, स्पॉन्सर करने का कोई भी राष्ट्र, चाहे वो कोई भी राष्ट्र क्यों ना हो, अगर वो कार्य करता है तो ये आतंकी उसके लिए भस्मासुर साबित होंगे। कनाडा का भी एग्जाम्पल मैं कहना चाहता हूँ कि कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पिताजी पियरे ट्रूडो जब 85 में वो प्रधानमंत्री थे, उसी समय कनिष्का बॉम्बिंग हुई थी जिसमें कि जो है बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर कैनेडियन नेशनल्स थे और उसमें सिख जाहिर है कि हमारे भाई बहन थे, और लेकिन वो कनाडा के नागरिक थे। तो ये जो कनाडा में जो आतंकियों को प्रेशर देना, सपोर्ट करने का जो कार्य कनाडा की लिबरल पार्टी के द्वारा पहले से भी जो किया जाता रहा है, उसका जो खामियाजा है वो कनाडा ने भी भुगता है।
और जाहिर है कि जो भी राष्ट्र इस तरीके का कार्य करेगा, आप पाकिस्तान को आप देख लीजिए, पाकिस्तान में जितने भी आतंकी उन्होंने पाले वो पाकिस्तान को ही चला रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो पाकिस्तान से शासन करना चाहता है, वो लगातार हमले कर रहा है वहाँ की पुलिस फोर्सेस पर, वहाँ की सीधा सीधा वहाँ की मिलिट्री पर, जो वहाँ के वास्तविक शासक है आर्मी और आईएसआई पर वो सीधा उसको टारगेट करते हैं। तो ये आतंकवादियों को पालना पोषना एक भस्मासुर को जन्म देने जैसा है। और कनाडा अगर ऐसा करता है या अमेरिका में भी इस तरीके की अगर टेंडेंसी आती है तो जाहिर है कि इससे अमेरिका भी प्रभावित हो सकता है। कनाडा पहले से ही उसमें प्रभावित होगा ही। जी जी जी, इस चर्चा में आप दोनों लोगों ने अपना बहुमूल्य राय दी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।